साथियों, जीवन में सुख दुख भी आते हैं, हारी बीमारी भी आती है। ऐसे समय में भी भाजपा की सरकार गरीब का साथी बनकर उसके साथ खड़ी होती है। आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। भाइयों बहनों, जो लोग गरीबी से निकले हैं उनको पता है, अगर गरीब के परिवार में एक बीमारी आ जाए और मां बीमार हो जाए तो कभी घर वालों को बताती नहीं है कि मुझे पीड़ा हो रही है, वो मां पीड़ा सहन करती है। उसके मन में यही रहता है कि अगर डॉक्टर के पास जाऊंगी, बहुत खर्चा होगा, बच्चों के सर पे कर्ज चढ़ जाएगा, इसलिए मां बीमारी को सहन करती है लेकिन बच्चों को कर्ज में डूबने नहीं देती है। भाइयों बहनों, आजादी के इतने साल के बाद उस मां की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी, उस मां की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बीमारी के कारण दुखी उस मां की देखभाल कौन करेगा, उस मां की चिंता कौन करेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हर गरीब परिवार के लिए बीमारी में 5 लाख रुपए तक का खर्च ये मोदी ने उठाना तय किया है। हमारे मध्यम वर्ग के परिवार, उनकी आय सीमित होती है और परिवार में बुजुर्ग मां बाप होते हैं, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है। अगर जिस घर में एक भी डायबिटिक का पेशेंट है तो उस परिवार को महीने 2-3 हजार रुपया दवाई में चला जाता है। ये मध्यम वर्ग का परिवार, गरीब परिवार इतने पैसे दवाई का खर्च कैसे करेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने आज हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा जिलों में, तहसील में जन पीएम जन औषधि की दवाई की दुकानें खोली है। जो दवाई 100 रुपये में मिलती है वही दवाई उस दुकान में 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये में मिल जाती है, ताकि मेरे मध्यम वर्ग का परिवार, मेरा गरीब परिवार दवाई के अभाव में उसके जीवन में कोई अनहोनी न हो जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने जन औषधि केंद्र खोले। उसी प्रकार से आज जीवन बहुत बदल चुका है। अगर परिवार में कोई जवान बेटा चला जाए, परिवार में कोई सदस्य चला जाए तो उस परिवार को कितनी बड़ी आफत आ जाती है, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती है। उसके लिए हमारी सरकार ने एक महीने का सिर्फ 1 रुपया, एक महीने का सिर्फ 1 रुपया, चाय के कप की कीमत भी ज्यादा होती है, वैसा बीमा निकाला। दूसरा एक बीमा निकाला हर दिन का 90 पैसे वाला, सिर्फ 90 पैसे, 1 रुपया भी नहीं। और इस बीमे से जो जुड़ेगा उसके परिवार में अगर कोई अनहोनी हो गई
तो दो दो लाख रुपया उस परिवार को सुरक्षा का कवच दे दिया। भाइयों बहनों, मुझे संतोष है कि आज ये 90 पैसे की योजना से, एक रुपये वाली योजना से मेरे देश के 19 करोड़ गरीब परिवार आज जुड़ चुके हैं। और किसी के परिवार में मुसीबत आई तो ऐसे परिवारों तक हजारों करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। भाइयों भाइयों बहनों, हमारे देश में किसानों की बातें करने वाले तो बहुत हो गए, लेकिन क्या कभी किसानों की बात करते समय किसी ने भी छोटे किसान की बात कही है क्या? छोटे किसान के लिए कोई बोलता है क्या? अरे हमारे देश में 100 में से 90 किसान छोटे किसान है, 100 में से 90 जिनके पास 1 हेक्टर भी भूमि बड़ी मुश्किल से है। और जब परिवार बड़ा होता है तो उस जमीन के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। इन छोटे किसानों की चिंता कौन करेगा? भाइयों बहनों, इसलिए छोटे किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना चलाई है। यहां बलिया के भी करीब 5 लाख किसानों को, यह आंकड़ा छोटा नहीं है मेरे भाइयों, आपको कभी किसी दफ्तर में जाना नहीं पड़ा है, आपको कभी मोदी को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी है, कोई नेता मेरे पास कहने के लिए नहीं आया था, लेकिन मैं छोटे किसानों को जानता हूं, उनके दर्द को जानता हूं। इसलिए अकेले बलिया में 5 लाख किसानों को अब तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में सीधे जमा हो गए हैं।